नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन अवसर पर गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लीला चित्र मंदिर में लगे एक एक चित्र देखा। उसके बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने गीता प्रेस द्वारा छपी पुस्तक शिव महापुराण के विशेष अंक का विमोचन किया। इस अवसर पर नागरिकों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गीता प्रेस एकमात्र ऐसा प्रिंटिंग प्रेस है जो कि केवल संस्था नहीं बल्कि जीवंत आस्था भी है। ये शिव महापुराण आर्ट पेपर छपा है जिसका विमोचन हुआ है। मानव मूल्यों को बचाने के लिए गीता प्रेस जैसी संस्था जन्म लेती है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ों मंदिर से कम नहीं है। इसके नाम और काम में भी गीता है। यहाँ करुणा है और ज्ञान का बोध भी होता है। उन्होंने कहा कि सावन का पवित्र माह चल रहा है, हम लोगों को इंद्र देव का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जब संतों का आशीर्वाद भलीभूत होता है तब ऐसी संस्थाएं जन्म लेती हैं। उन्होंने कहा देश भर के स्टेशन पर गीता प्रेस का स्टॉल देखने को मिलता है। गीता प्रेस ने 100 वर्ष का सफर ऐसे समय में पूरा किया है जब देश आजादी का 75 वर्ष पूरे होने पर उत्सव मना रहा है। हमने यहाँ लीला चित्र मंदिर को देखा और 675 साल पुराने राम कृष्ण के चित्र को देखा और पहली प्रिंटिंग मशीन को भी देखा जो कि अपनी धरोहर समेटे हुए जिंदा है। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सदर सांसद रवि किशन शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे, जिसमें समग्र विकास की अवधारणा चरितार्थ होती भी दिखाई दे रही है। तो साथ साथ भारत की गौरवशाली आस्था और विरासत को भी एक नई पहचान मिली है। हम में से हर व्यक्ति जानता है योग भारत की अति प्राचीन विधा रही है, लेकिन पहली बार योग वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। जब 21 जून की तिथि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव को वैश्विक मान्यता दी और वर्तमान में 180 देश भारत की ऋषि परंपरा की इस प्रसाद के साथ, इस उपहार के साथ जुड़ करके भारत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। कुंभ को विश्व की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देकर के प्रयागराज कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलाने का कार्य 2019 में देश ने भी और दुनिया ने भी देखा है और भारत की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और उनकी पुनर्स्थापना का कार्य किस रूप में होना है यह आपने बाबा विश्वनाथ के धाम को देखा होगा। काशी में बाबा विश्वनाथ का धाम हो या केदारनाथ में नई केदारपुरी, बद्रिकाश्रम में पवित्र बद्रीनाथ धाम हो या महाकाल में महालोक की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम और 500 वर्षों के इंतजार को समाप्त करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य, ये सभी एक एक करके आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जितना भारत के अंदर चल रही हैं, हुई हैं विगत 9 वर्ष में, आजादी के बाद कभी भी भारत के अंदर तो नहीं हुई, लेकिन दुनिया का कोई देश आज भी उस मात्रा में, उस पैमाने पर उन गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ा पाया है। नए भारत के निर्माता, भारत माता के महान सपूत, भारत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, महायोगी बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा पर गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के इस भव्य समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नए भारत के निर्माता, भारत माता के महान सपूत,
भारत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, महायोगी बाबा गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर गीता प्रेस के शताब्दी महोत्सव के इस भव्य समारोह में मैं प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, संतों की तपस्या कभी निष्फल नहीं होती, उनके संकल्प कभी शून्य नहीं होते। इन्हीं संकल्पों का परिणाम है कि आज हमारा भारत सफलता के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैंने लाल किले से कहा था, और आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था कि ये समय गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपनी विरासत पर गर्व करने का समय है। और इसलिए शुरुआत में भी मैंने कहा, आज देश विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। आज एक और भारत डिजिटल टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड बना रहा है, तो साथ ही सदियों बाद काशी में विश्वनाथ धाम का दिव्य स्वरूप भी देश के सामने प्रकट हुआ है। आज हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो साथ ही केदारनाथ और महाकाल महालोक जैसे तीर्थों की भव्यता के साक्षी भी बन रहे हैं। सदियों बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना, हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। हम आजादी के 75 साल बाद भी अपनी नौसेना के झंडे पर गुलामी के प्रतीक चिन्ह को ढो रहे थे। हम राजधानी दिल्ली में भारतीय संसद के बगल में अंग्रेजी परंपराओं पर चल रहे थे। हमने पूरे आत्मविश्वास के साथ इन्हें बदलने का काम किया है। हमने अपनी धरोहरों को, भारतीय विचारों को वो स्थान दिया है जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसलिए अब भारत की नौसेना के झंडे पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का निशान दिखाई दे रहा है। अब गुलामी के दौर का राजपथ कर्तव्य पथ कर बनकर कर्तव्य भाव की प्रेरणा दे रहा है। आज देश की जनजातीय परंपरा का सम्मान करने के लिए देश भर में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। हमारी जो पवित्र प्राचीन मूर्तियां चोरी करके देश के बाहर भेज दी गई थी, वो भी अब वापस हमारे मंदिरों में आ रही है। जिस विकसित और आध्यात्मिक भारत का विचार हमारे मनुष्यों ने हमें दिया है, आज हम उसे सार्थक होता हुआ देख रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारे संतों, ऋषियों, मुनियों, उनकी आध्यात्मिक साधना भारत के सर्वांगीण विकास को ऐसे ही ऊर्जा देती रहेगी। हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे और विश्व कल्याण की अपनी भावना को सफल बनाएंगे।